हिमाचल प्रदेश के लोग लगातार दूसरे साल भी गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2022 को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाले समारोह में देवभूमि की झलक नहीं देख पाएंगे। इस समारोह के लिए भेजा गया प्रदेश की झांकी का प्रस्ताव खारिज हो गया है। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों के मॉडलों को चुना है, हिमाचल का मॉडल इनसे पिछड़ गया है। प्रदेश की ओर से विकासात्मक योजनाओं को दर्शाती झांकी का प्रस्ताव भेजा गया था। इस मॉडल को अब प्रदेश में आयोजित होने वाले समारोह में दर्शाया जाएगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सबसे पहले धामी गोलीकांड की झांकी का प्रस्ताव भेजा गया था। हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव विभाग ने गोपालपुर चिड़ियाघर के पर्यटकों के लिए रविवार के दिन भी खोलने का फैसला लिया है। अब गोपालपुर चिड़ियाघर रविवार को नहीं बल्कि सोमवार को बंद रहेगा। वन्य जीव विभाग ने करीब 1.5 वर्ष पूर्व कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण चिड़ियाघर को करीब रविवार के दिन बंद कर दिया था। कोरोना से पहले चिड़ियाघर रविवार को खुला रहता था और सोमवार को बंद रहता था। पर्यटक रविवार को ज्यादातर यहां पहुंचते हैं, इसलिए इसे रविवार को बंद करने का फैसला लिया गया था। अब पुरानी व्यवस्था फिर से लागू होगी। गोपालपुर चिड़ियाघर में करीब 2 दर्जन पक्षी और पशुओं की प्रजाति है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में 16वीं सीनियर जूनियर और सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चंबा की शिवाली राजपूत को स्ट्रांगेस्ट वुमन ऑफ हिमाचल के खिताब से नवाजा गया है। चंबा के सरोल में शिवाली राजपूत की ओर से संचालित आयरन पैराडाइज जिम को प्रदेश भर में दूसरा स्थान मिला है। शिवाली राजपूत ने महिला वर्ग के पावर लिफ्टिंग में 335 किलोग्राम वजन उठाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शिवाली से पूर्व वर्ष 2016 में पावर लिफ्टिंग में स्ट्रांगेस्ट वुमन का खिताब अपने नाम कर चुकी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को कुल्लू के माहौल में ब्यास नदी के किनारे मेरी ब्यास जीवन की आस कार्यक्रम हुआ। इसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ब्यास आरती की। उन्होंने ब्यास नदी में दीपक प्रवाहित करके महाआरती का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत में नदियां केवल जल ही नहीं बल्कि अपने साथ जीवन की भी धारा सहेजी हुई है। उन्होंने जनता से ब्यास नदी की स्वच्छता में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान ब्यास नदी में मंगलवार देर शाम को हजारों दीपों को प्रवाहित किया गया और जगमगाहट के बीच सैकड़ों लोगों ने नदी उत्सव में ब्यास की महाआरती में भाग लिया। राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों के जीवन में जीत और हार के दौर चलते रहते हैं। समय के साथ वे घाव भर जाते हैं और आगे बढ़ना होता है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली की तैयारियों पर पालमपुर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठक करने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने उपचुनाव श्रद्धांजलि और सहानुभूति के नाम पर जीत लिया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। भाजपा प्रदेश के विकास पर काम कर रही है और आचार संहिता लगने से पहले तक ये क्रम जारी रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि 2022 में प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला मंडी में मंगलवार को राज्य स्तरीय कला उत्सव संपन्न हो गया। उत्सव में स्थानीय खिलौने आकर्षण का केंद्र रहे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बल्ला विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने शिरकत की। इसके अलावा समारोह में विशेष अतिथि के रूप में डिप्टी डायरेक्टर सुदेश ठाकुर, प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अमरनाथ राणा मौजूद रहे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव में दिन एकल शास्त्रीय पारंपरिक लोक संगीत, संगीत शास्त्रीय संगीत, पारंपरिक लोक संगीत, नृत्य शास्त्रीय, पारंपरिक लोक दृश्य कला, द्वियामी त्रिआयामी, स्थानीय खिलौनों और खेल प्रतियोगिताएं विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार को 4 साल पूरा होने पर हिमाचल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान मंडी जिला में रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली के दिन प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर सांकेतिक हड़ताल करेंगे। प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार को फिर चेतावनी दी है कि अगर सरकार द्वारा टैक्स माफी या फिर अन्य लंबित भत्तों को लेकर शीघ्र कोई निर्णय नहीं लिया गया तो 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री की रैली में हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें उपलब्ध नहीं करवाएंगे। एक बैठक करके 27 दिसंबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का भी निर्णय ले सकते हैं। हमीरपुर शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जबली जेल में तैनात सहायक जेल अधीक्षक जल शक्ति विभाग में ठेकेदार के पास कार्यरत एक कामगार को गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में घायल व्यक्ति की IGMC शिमला ले जाते हुए मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी को स्वारघाट से हिरासत में ले लिया है। पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। मृतक की पहचान धर्म सिंह के रूप में हुई है। तो वहीं पुलिस कार्य प्रणाली से गुस्साए ग्रामीणों ने एम्स के पास शव के साथ करीब 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया।
हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 3 से 8 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने दिसंबर की जगह इस बार जनवरी में 6 दिन की छुट्टियां की हैं। शीतकालीन स्कूलों में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक 46 दिन का अवकाश रहेगा। मंगलवार को शिक्षा सचिव की ओर से उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी मटीरियल भी देने को कहा गया है। प्रदेश में बीते कई वर्षों से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 26 से 31 दिसंबर तक 6 दिनों की छुट्टियाँ होती हैं। सोमभद्रा ब्रांड नेम मिलने के बाद से उजला ऊना के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को एक नई पहचान मिली है। 10 अगस्त 2021 को ऊना के एमसी पार्क में सोमभद्रा का पहला मेला लगाकर इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से अब तक स्वयं सहायता समूह ने 4.32 लाख रुपए का कारोबार किया है। पहले स्वयं सहायता समूह अलग अलग नाम से अचार, पापड़, सेवैयां जैसे उत्पाद बनाकर बेचते थे, लेकिन सोमभद्रा ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों में एकरूपता लाई है, जिससे इन उत्पादों को पहचान मिली है और ग्राहकों के बीच सोमभद्रा ब्रांड प्रसिद्ध हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।